कि कितनी कोशिश कर ले भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जी, और यहाँ नाम परिवर्तन की बात की जा रही है, जब संविधान ही नहीं रहेगा तो नाम परिवर्तन करा के करेंगे क्या? नहीं नहीं, सब चीजें साथ साथ चल रही है पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे आंदोलन संविधान बचाने के लिए भी चल रहे हैं। और अभी चूंकि अभी तक इस आंदोलन को बहुजन समाज में अनुसूचित जातियां ही, अनुसूचित जातियों में भी कुछ दो दो जातियां हर प्रदेश के अंदर, उन्होंने इस मूवमेंट को थामे रखा। उन्हें अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, महाराष्ट्र में अलग दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में अलग दिया जाता है, लेकिन बहुजन समाज की जो अनुसूचित जातियां हैं उनको तो अभी कुछ पता ही नहीं कि संविधान में कितना अधिकार उनको प्रदत्त किया गया। लेकिन अभी कुछ मुद्दे जैसे जैसे उठे हैं, बैकवर्ड में भी उठाए हैं, जैसे हमारे उनके धर्म ग्रंथों में हमारे समाज के बारे में लिखा गया, अभी तुलसीदास जी का मैटर उठाया है कि प्राचीन काल में जो महाकाव्य उन्होंने लिख दिया गया है उसमें हमारे समाज का उतना पता नहीं था कि हमारे बारे में लिखा है, आज जब वो जागृत हो रहा है तो उस बात को मुखर होकर भी कह रहा है। तो संविधान के बचाने के लिए अब ऐसा नहीं है कि सोलर कास्ट के लोग ही हैं, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और संविधान में अगर कोई फेरबदल या कुछ इस तरह का होता, फेरबदल होते रहे वो तो होता है, संविधान में दिया गया है, लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता। और अभी बयानबाजी आ रही है, अभी हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका बयान आ चुका है कि कितनी कोशिश कर ले भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये भारतीय थी इसकी ऑथेंटिक है, हिंदू अब हिंदू जो अपने आप को बोल रहे थे वो अपने आप को सनातनी बोलने लगे हैं, वो पाला बदल चुके हैं, अभी हिंदू नहीं कह रहे, उन्हें पता कि हिंदू पर एक प्रहार हो रहा है, उसके पूरे कंट्री दुनिया के अंदर वो हो रहा है। तो मेरा तो आपसे यही है अशोक जी, आपको मालूम है जो कि आपने जो आवाज उठा रहे हैं, अगर हम बात करें पहले कैबिनेट मंत्री सांसद पर मौर्या जी, जी जी जी, जो अभी आपने बात छेड़ी, उन्होंने आवाज उठाई तो उनके ऊपर पिटाई भी कर दी गई है, उनको घेरा गया और धमकी दी जा रही है। हाँ, वो चलेगा, बहुजन के लोग कितने आगे आ वो रहे? चलेगा, सब आ रहे हैं साथ में, सब उनके सुरक्षा में है, ऐसा नहीं है। दल भी समता सैनिक दल ने इस बाबत कोई कदम उठाया? हाँ, समता सैनिक दल ने जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है वो उनसे मुलाकात वगैरह कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि दल के सैनिक जो उनके साथ भी रहे अगर वो चाहेंगे इस बारे में। तो बैकवर्ड के लोग, ओबीसी महासभा के लोग, जिन पर मुकदमा रासुका हुआ था, रासुका खारिज कर दी गई है, क्योंकि उसमें रासुका, उन्होंने तुरंत रासुका लगा दी कि वहां पर एक कानून पास कर दिया कि उन पर रासुका लगाए, नहीं, अपनी अभिव्यक्ति कहने का सबको वो है, अगर कोई बात गलत है, अगर किसी किताब में, पुस्तक में, आज भी है तो संशोधन, अगर किसी पुस्तक में कोई गलत बात लिखी है तो उसे संशोधन हटाना करने में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। यदि इस देश के 85% बहुजन समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपने जो लिखा, अब वो कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब शिक्षा से है, तो ताड़ना शिक्षा के ब्राह्मणों के लिए क्यों प्रयोग नहीं किया आपने, क्षत्रियों के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया आपने, आपने हमारे समाज के लिए डोर गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, एक व्यक्तिगत विशेष उसको रखते हुए नारियों को भी, किसी नारी, अपनी नारी को भी नहीं छोड़ा, हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी भी समाज की नारी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, उन नारियों को भी नहीं छोड़ा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारियों का सम्मान करते हुए हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू की पहचान ही नहीं थी इस कंट्री के अंदर, मुगल काल में, अंग्रेजी काल में हिंदू का कोई नाम ही नहीं था, गैर मुस्लिम उनको दर्ज किया जाता था। ये तो बाबा साहब को सम्मान करना चाहिए, उन लोगों को भी जो विरोध कर रहे हैं, कि बाबा साहब की वजह से उनकी एक ऑथेंटिक हुई और हिंदू कोड बिल बना। तो ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बनाए अंदर आपसी, जैसे पहले था वैसे ही रहे, यहाँ पर सभी कोई अलग नहीं है, सभी भारतीय हैं, और भारतीय में कोई भी हो वो सब सामाजिक समानता में भाईचारे पर आते हैं। सम्मान्य साथियों, जो ये हमने प्रोग्राम रखा 24 फरवरी का, कि जो नव निर्मित जो संसद है उसका बाबा साहब के नाम से जो ना उसका नवीकरण करना कराने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने लेटर ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को जो ना हम पहले दे चुके हैं। पहला लेटर हमने 19 जनवरी को दिया, दिसंबर को दिया। दूसरा लेटर हमने जब उसका कोई जवाब नहीं है तो हमने फिर जो दिसंबर उसमें जनवरी में दिया, तब हमारे पास कोई उसके जो ना लिखित में कोई सूचना नहीं है, तो तब हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा 24 फरवरी का। तो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और रोड प्रदर्शन करना था, तो उसमें हम लोग जब जाकर के वहाँ मिले DCP से, कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे, रोड की परमिशन नहीं देंगे, मगर आप लोगों को हम जंतर मंतर की परमिशन देते हैं, आप लोग आइए अपना मेमोरेंडम जो ना यहाँ से जो जिसको भी आप देना चाहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ओम बिरला जी को, वो आप, हम आपका डेलीगेशन, हमारी जो यहाँ से गाड़ी जाएगी वो आपको लेकर के जाएगी। तो हम
आने वाली इस 24 फरवरी को सभी संगठनों से जो बाबा साहब के नाम पे संगठन बना करके चला रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, जो अपने आप को बाबा साहब के हितेश समझते हैं, तो हम उनसे सभी से अपील करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो ना जंतर मंतर पे पहुँचे और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा उसमें जो ना लगाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। देखिए साथियों, मैं कड़वी बात के लिए जाना जाता, कड़वी ही बात कहूँगा। बिना धन बल के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। हम गलबजाई ज़्यादा करते हैं, सहयोग नहीं करते। जब लोग सही करें घर से निकलेंगे, जब भी तो कोई निकलेगा, बात तो बहुत करते हैं, एक दो टांग खिंचाई करने में कसर नहीं छोड़ते हम, लेकिन करेगा क्या सिर्फ समता सैनिक दल? क्यों भैया पूरे देश का ठेका समता सैनिक दल नहीं ले रखा है? और समाज कहाँ गया हमारा? सबको साथ चलेंगे जब ही कुछ हो पाएगा। अब खाली आप लोग ये कह लेंगे सिर्फ दल ही दल करेगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है भाई। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ ईमानदार से, सबको निकलना पड़ेगा। सबका जब कर सबका साथ नहीं मिलेगा, कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं होगा। केवल समता सैनिक दल पर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम कहते हैं हमारा जितना भी शोषित पीड़ित समाज है, उन सबको आगे आना चाहिए, उनको अगुवाई करनी चाहिए। अगुवाई भले ही समता सैनिक, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम भी नहीं चल पाएंगे। मैं फिर यही ईमानदारी से कहता हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, मंजिल मिले ना मिले एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अंबेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। आज जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और महासंगठन ने बाबा साहेब को सम्मानित करने के लिए उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धा से सम्मान के लिए ये जो कदम उठाया है, ये उन कदमों में ही है जो 2 अप्रैल 2018 में हमारे समाज, हमारे बुद्धिजीव, हमारे महाजनों ने करके दिखाया। ठीक उसी तरह 24 फरवरी को, क्योंकि मार्च में वो इसका नामकरण करने जा रहे हैं, मैं अपने कार्यकारिणी की सूझबूझ और तत्परता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम समय में ही इतनी तैयारियां करने के लिए लोगों से आह्वान किया है कि सही में ही जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी से दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से भी निवेदन है कि सच्चे मन से, ईमानदारी से, निस्वार्थ निष्ठा कर्म के साथ इस आयोजन में अपनी भागीदारी अवश्य दर्ज कराएं और तन, मन, धन और समय देंगे तो मायने रखेंगे कि हाँ, बाबा साहब को मानने वाले अब खड़े हो गए। कुछ ही बात आपके कहना चाहूँगा। बाकी मेरे सभी साथियों जो राष्ट्रीय और लेवल की जो टीम ने सब कुछ बोल दिया है, इसी बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से एक विनती करना चाहता हूँ, और जितनी भी राजनीति पार्टियाँ उनके चरणों में भी एक विनती करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के नाम पर पोस्टर लगा करके, बाबा साहब की मूर्ति लगा करके या पोस्टर लगा करके वो लाभ उठाते हैं बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोगों का जो 85% है, आज ये वक्त आ गया है। इसका आह्वान समता सैनिक दल ने किया है, और ये आह्वान इसलिए किया है कि जो नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगे और बाबा साहब के नाम से हो। क्योंकि अगर आप इस देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, मुख्यमंत्री हों, वो सभी जब देश से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। इनकी पहचान इस भारतवर्ष के जितने भी PM, CM, DM जितनी भी हैं, उनकी पहचान अगर आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री में अगर होती है तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। लेकिन मैं आज उन सबके चरणों में नम्र निवेदन और विनती करूंगा, और तमाम समता सैनिक दल इस बात का आह्वान कर रहा है कि 24 फरवरी को जो एक
एक मैसेज छोड़ने के लिए और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री सबसे एक इनको सोए हुए उनको जगाने के लिए ये एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप ये सब लोग कहते हैं करते क्यों नहीं। अगर करना चाहते हैं तो इस नया संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम से किया जाए, ताकि ये 85% बहुजन ये कहे कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कुछ किया है या हमारे कहीं हमारा कहीं गिनती में रखा है। इसलिए ये काम प्रोग्राम किया जा रहा है और मैं इससे अवगत हूँ, अपने जो सहयोगी मेरे साथी हैं कि ये हमारी बात को मानेंगे, माना जाए और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और की प्रतिमा प्लस संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम रखा जाए, ये मैं सबके साथ आग्रह करता हूँ, ताकि आपका ये मैसेज पॉजिटिव जाए, ताकि बहुजन समाज ये समझ सके कि हाँ वाकई ये नाम से ही नहीं काम भी कुछ करके दिखाते हैं। इन्हीं साथों के साथ में जय भीम नमो बुद्धाय। हम के लिए चूँकि ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में तय किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये भी प्रस्ताव किया था कि NCR के आसपास के तमाम लोगों को यहाँ पर आकर प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन साथ ही देश के तमाम प्रदेशों में उसी दिन सभी राष्ट्र प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी वो वहाँ से राष्ट्र ज्ञापन प्रेषित करेंगे सभी प्रदेशों से, और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर होगा ज्ञापन एक ही रूप में होगा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ तय करेगी वही ज्ञापन प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 का चुनाव सामने है लोकसभा का, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में चूंकि वोट का बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, और बाबा साहब के अनुसार कि 22वीं सदी बहुजनों की होगी, यदि कोई इसमें वो होता है तो वोट तो हमारा भी ज़्यादा है, हमारा ही लोगों का ज़्यादा है, और सभी का नंबर जब आ चुका है तो बहुजन समाज भी इसलिए जागृत है। तो 24 के चुनाव को देखते हुए तमाम बहुजन समाज भी इकट्ठा है और पूरा प्रयास करेंगे कि बाबा साहब का सम्मान सुरक्षित रहे। यदि बाबा साहब के सम्मान में किसी ने भी देरी करी है तो उसको नेस्तानाबूद होने में भी कोई देर नहीं लगी है। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में सबसे बड़ी चूक की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन महान विभूतियों को नवाजा जाता है, चाहे बुद्ध हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, और अपने देश में यदि उस सम्मान ना मिले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा उसका दुष्परिणाम ही जाता है। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि तमाम चीज़ों को इंगित रखते हुए और सब चीज़ को भुलाते हुए बाबा साहब के सम्मान को बरकरार रखें और संसद का नामकरण और प्रतिमाओं पर लगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबका आमंत्रण 24 तारीख में आपको पुनः हम आमंत्रित करते हैं।